जी आपके भाई के हत्याकांड में शामिल थे पंकज यादव, मथुरा में एनकाउंटर हुआ है, क्या कहेंगे? हमको भी जानकारी समाचार माध्यमों से ही हुई है और यह बहुत ही शानदार काम एसटीएफ द्वारा किया गया है। इस तरह के अपराधियों का इस धरती पर एक दिन भी रहना उचित नहीं है, इनको ऊपर जाना ही जाना चाहिए। जैसे कर्म किए हैं आपने, आपराधिक इतिहास उनको उठाकर देख लीजिए, हमको लग रहा है कि 26-27 मुकदमे 27-28 मऊ लेकर और गाजीपुर बलिया गोरखपुर लेकर हैं, बाहर के और हो सकते हैं मुकदमे हों, धीरे धीरे आ जाएंगे इनके क्रिमिनल हिस्ट्री में। तो ये अपराधी रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ जिनका जो हश्र हुआ है, ये सारे अपराधियों को जो लगातार अपराध में लिप्त हैं, ये अपराध कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या लगता है ये किन किन के लिए काम कर रहा था पंकज यादव? ये शुद्ध रूप से मुख्तार अंसारी का चेला था, शहाबुद्दीन के लिए भी काम करता था और यहाँ जो है अनुज कन्नौजिया लालू यादव गिरोह से जुड़ा हुआ था। ये सारे गिरोह एक दूसरे में जुड़ के और वो दो बड़े अपराधियों के लिए काम करते थे। थोड़ा सा जिक्र करेंगे आपके भाई की जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी ये शामिल थे। हाँ, भाई साहब के हत्याकांड में जो मुख्य गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्या, और सुरक्षा में लगाए गए सिपाही सतीश कुमार, आरटीओ दफ्तर पे, मऊ जो पुराना आरटीओ दफ्तर है वहीं भाई के नाम से गाड़ी ट्रांसफ़र होने गई थी भाभी के नाम से, भाई की हत्या के बाद, तो उसी में वहाँ ये लोगों ने वहीं गोली चला दिया आरटीओ दफ्तर से, वो जो अंदर से बाहर निकले गाड़ी में बैठने के लिए उनको मार दिया जो सिपाही बैठे थे। तो ऑन स्पॉट राम सिंह मौर्या मर गए और चार दिन बाद वो सिपाही सतीश कुमार की मौत हो गई, बनारस में भर्ती थे हेरिटेज में। पंकज यादव कहाँ करने वाला था? इत्तहिरापुर गांव है, सिरियापुर की देवी माई, मशहूर एक देवी माई का स्थान है रानीपुर थाना क्षेत्र में, उसी के बगल में तहिरापुर गांव है, वहीं कराने वाला है। अच्छा, कब से फरार था मतलब? यह तो अब पहले से फरार रहा होगा, अब हम तो जानते हैं अपनी घटना 19 मार्च 2010 को जब हुई थी उसके बाद से तो फिर दिखाई नहीं दिया, फरार ही रहा है। क्या पुलिस फर्स्ट टाइम इसको मतलब पकड़ी है या इससे पहले भी गिरफ्तार की थी? एक बार और गिरफ्तारी इसकी हुई थी, कोरबा से हुई थी, छत्तीसगढ़ कोरबा से, वहाँ से एसटीएफ ने पकड़ कर लाया था, फिर जमान पे बाहर निकला, उसके बाद से फिर फरार। क्या लगता है अब आपको न्याय मिल पाएगा जब सभी लगभग अपराधी धीरे इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं? अपराधी मारे जा रहे हैं, जो लोग साजिश में रहे, जिन लोगों ने हत्या करवाई, जिन लोगों ने घटना करवाई, वो सारे लोग बाहर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। एक एक व्यक्ति को जब तक सजा नहीं मिल जाती है तब तक न्याय पूरा नहीं माना जाता है। क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा, अब तक मिलता है तो आगे भी मिलेगा, पूज्य योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें है हर पीड़ित को न्याय मिलेगा और मुझे भी मिलेगा।